अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद, आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इनपेज का सबक चल रहा है और सिलसिलावार सबक की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। हमने टूल्स बार देख लिए हैं, इसी तरह फाइल मेनू देख लिया है मुकम्मल, और एडिट मेनू में हमारा सबक अभी चल रहा है। एडिट मेनू में से भी हमने तकरीबन सारे ऑप्शन ही देख लिए हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो प्रिफरेंसेस देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रेफरेंस हैं, एप्लीकेशन प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस, टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस, स्टोरी एडिटर प्रेफरेंस और कीबोर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस, इसी तरह कीबोर्ड प्रेफरेंस, ये तीनों हमारे बहुत ही अहम कमांड्स हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रेफरेंस से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने डिलीट पेज तक देख लिया था, है ना। और जिन्होंने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी उन्हें मालूम नहीं होगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए कि पेज डिलीट कैसे किया जाता है, इसी तरह लॉग गाइड्स क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सब ऑप्शंस क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या यूज है ना। तो ये सब चीजें देख लीजिए। चलिए हम एप्लीकेशन प्रिफरेंस शुरू करते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है Alt+F11। ठीक है, हम यहाँ से आते हैं और इस तरह हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाता है। मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ये देखिए, सबसे शुरू में है एप्लीकेशन टाइप, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये एक सिमत मुतायन करने के लिए है ना। इसी से हम शुरू करते हैं। अभी क्या है, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए ये रूलर्स हमारा जो है इधर दाएं बाईं तरफ है और स्क्रॉल बार हमारा दाहिनी तरफ है। हम चाहते हैं स्क्रॉल बार हमारा इधर आ जाए और रूलर्स इधर चला जाए, तो हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए, हमारा रूलर्स इधर आ चुका है और स्क्रॉल बार इधर आ चुका है, देख रहे हैं आप। तो यही एप्लीकेशन बार का एक यहाँ पे काम होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा ऑप्शन एरो कीज मूवमेंट, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अभी 258 है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ और एक यहाँ से गाइडलाइन खींचता हूँ। पहले तो मैं इसे वापस उसी तरह कर देता हूँ, है ना, चूंकि मेरी आदत इधर से लेफ्ट टू राइट से, ये मैंने कर दिया। यहाँ से एक गाइडलाइन लेता हूँ ऊपर से, मसलन यहाँ तक। ठीक है, और यहां से बनाता हूं एक टेक्स्ट बॉक्स और इसे एरो टूल के जरिए से सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए, मैं यहां पे रखता हूं इसे, ठीक है, और एरो की के जरिए इसे ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है, ये देखिए कितने बार में हमारा यहां पहुंच रहा है, या फिर इससे बेहतर ये होगा कि हम इधर एक गाइडलाइन ले लेते हैं, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक गाइडलाइन, यहाँ पे ले लेते हैं और इसे कर लेते हैं जरा हम छोटा। आपको मालूम ही है छोटा कैसे करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं। अब देखते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितने दफे में पहुंचता है एरो की के जरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए, 15 में पार हो जा रहा है, तो हम यहीं पर रखते हैं इसे, इसी के बिल्कुल कोने पे इसे उठा लीजिए और यहाँ पे हम इसे रख दीजिए। ठीक है, 15 बार में हमारा यहाँ पे पहुंचा है। हम चाहते हैं ये 15 बार में ना पहुंचे, बल्कि कितने बार में पहुंचे, हमारा ये पहुंचे आपका 10 मरतबे में, है ना, या उससे और कम में। तो हम यहाँ से आएंगे और प्रिफरेंस में आकर के एप्लीकेशन प्रिफरेंस, और यहाँ से कुछ बढ़ा देंगे, है ना, जैसे इस ऊपर वाले से 286, 3, 314, मसलन 328 हम इतना कर देते हैं, 0.328, और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिए, हम एरो की के जरिए, यानी एरो की में राइट की के जरिए हम देखते हैं कितने बार पहुँचता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार में हमारा पहुंच चुका है। हम मजीद ज्यादा करेंगे तो ये और स्पीड में आएगा। जैसे देखिए, अच्छा, एप्लीकेशन की एक क्या था, Alt+F11, है ना, Alt+F11, यहाँ से एप्लीकेशन की खोल ली हमने, और यहाँ से करते हैं और ज्यादा, मसलन 426। अब देखिए ये कितने दफा में पहुंचता है, इसे वापस ले आते हैं यहाँ पे, और अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 में ही तकरीबन पहुंच जा रहा है ये। ठीक है, ये काम होता है इसका, तो वापस से कम कर देते हैं। एप्लीकेशन की खोलने का क्या है, शॉर्टकट करी थी का Alt+F11। ठीक है, यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसे वापस कम, है ना, जितना था मसलन इतना कर देते हैं, 188। उसके बाद है एक ऑप्शन विद कंट्रोल। अभी देखिए, मैं तो राइट की सिर्फ प्रेस कर रहा था, तो इतना जा रहा था, इतना ज्यादा ज्यादा, और कंट्रोल के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो देखिए बहुत धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, कितने दफा में जाता है ये हम देख लेते हैं।
उसके लिए हम इसे उठाते हैं यहाँ से और इसको कर लेते हैं जरा करीब, मसलन यहाँ तक। यहाँ पे हमारा कितने दफा में आता है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34 35। तकरीबन 35 में, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, आप चाहते हैं कि कंट्रोल के साथ भी हमारा तेजी के साथ आए, है ना, 35 दफा से और कम में आए, तो हम यहीं से Rt11 करेंगे और पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, जैसे 14 है यहाँ पे मसलन हम कर देते हैं 266 और यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब कंट्रोल के साथ कीजिए, 1 2 2 ही दफे में खत्म, समझ रहे हैं, 35 दफे में जो जा रहा था वो 2 ही दफे में खत्म हो जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा, के एरो जो होता है विद कंट्रोल जो होता है, यहाँ पे हम कम से कम ही रखें, ठीक है। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है मैं बताऊंगा आपको, कम से कम ही रखें बेहतर होगा। मसलन मैं 14 के बजाय 28 कर देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है, या फिर मैं 14 ही रहने देता हूँ, छोड़िए, और यहाँ से इतना ठीक है, या 202, चलिए 88 ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने कर दिया है इस तरह, ये हमने देख लिया इसके बारे में, एरो कीज मूवमेंट के बारे में। इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, और इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन है, यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन में, ये ग्रीक यानी टेक्स्ट बिलो, ठीक है। इसको देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब से, यहाँ पे हमने ये फाइल पहले से बनाया हुआ था वो हमने ओपन कर लिया। मसलन इसका साइज देखिए कितना है, 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और Rt11 करते हैं, ये खोल लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से 30 के बजाय मसलन मैं कर देता हूँ 35, ठीक है, और यहां से कर देता हूँ ओके, ठीक है। यहां से 30 कर दिया और यहां से हमने 35 कर दिया। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो है ये तकरीबन ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो सब ब्लर हो चुका है, मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे असल में इस ऑप्शन का यूज जो होता है वो सेव एज डिफॉल्ट के तौर पर यूज होता है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कुछ करना वरना है नहीं, जो पहले से रहेगा उसे ही रहने देंगे। यहाँ पे रहता है 7, कितना रहता है 7, मैं कर देता हूँ 7 और यहाँ से ओके करके देखता हूँ, मेरा यहाँ पे तमाम टेक्स्ट वापिस आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप 7 से ज्यादा करते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो शुरू में 12 होता है ना, अगर आप 12 से ज्यादा नंबर वहां पे कर देंगे एप्लीकेशन में Rt11 से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आपका गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं और हम कुछ करके देखते हैं, मसलन 20 एंटर, अच्छा हमने सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे आते हैं इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अच्छा, एप्लीकेशन प्रिफरेंस खोलने का एक और तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो उर्दू इन पेज लिखा हो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं मसलन 30 और एंटर करके देखते हैं, ये देखिए सब खत्म कर दिया, ये सिर्फ रहने दिया है, क्यों, क्योंकि इसका अभी 30 ही है साइज, है ना, इसकी साइज 30 है। अगर हम यहाँ से 45 50 कर देंगे तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा ब्लर, ठीक है, छुप जाएगा अंदर। तो इसलिए हमें यहाँ से हमेशा कितने रहने देना है, हमें 7, 7 से ज्यादा हमें नहीं रखना है, सेव एज डिफॉल्ट में यही आता है, तो हम रख देते हैं इसे ओके, वापिस आ गया हमारा सब कुछ, ठीक है। अब चलिए हम कंट्रोल शिफ्ट टैब से इस क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन प्रेफरेंस खोलते हैं ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिक्चर्स का एक ऑप्शन है ना, पिक्चर्स का ही ऑप्शन है। इसका फायदा ये होता है कि जब यहाँ पे हम अभी चेक नहीं लगा हुआ, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पे जब यहाँ पे हम चेक लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो अब हम पिक्चर बॉक्स के जरिए कोई भी पिक्चर इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ला नहीं सकते। जैसे देखिए यहाँ से हम करते हैं और मेरे पास पिक्चर्स में है कुछ तस्वीर, जैसे ये वाला मैं इसे लाना चाहूंगा तो क्या लिखेगा, देखिएगा इस तरह लिख रहा है, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे आएगी ही नहीं अगर वहां पे चेक लगा हुआ होगा तो, ठीक है। इसी तरह देखिए मैं, चलिए अगर आपको लग रहा हो कि इसमें कोई दिक्कत हो इस तस्वीर में, तो कोई और तस्वीर उठा लेते हैं, मसलन हम ले लेते हैं ये और यहाँ से कर देते हैं ओके, ये देखिए वही दिक्कत है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ एप्लीकेशन प्रिफरेंस में और यहाँ से अनचेक कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से इसे हटा देता हूँ
और यहाँ से ओके, ये देखिए तस्वीर आ गई। तो यहाँ पे अगर आप चेक लगा देंगे तो आपकी तस्वीर नहीं आएगी, किसी में अगर ये दिक्कत हो तो वो यहाँ से कर ले, ठीक है, यानी अनचेक उसे कर दे। इसे कर देता हूँ डिलीट, फिर से कंट्रोल शिफ्ट टैब से उसी फाइल में मैं आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें भी जरूरत है। ठीक है, पहले आता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ से इसको कर देता हूँ फ्लटिंग मेन्यू और यहाँ से ओके। अभी देखिए मैं जब माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा तो इस तरह के ऑप्शंस आपको आपके सामने खुल कर आएंगे, जूम है, इम्पोर्ट है, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, कैरेक्टर, पैराग्राफ, टेबल, ये सब, ठीक है, इस तरह खुलकर आपके सामने आएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि माउस के राइट बटन जब मैं प्रेस करूं तो जूम हो जाए, ठीक है, जहां पे भी मैं रख करके कर्सर या एरो माउस का राइट बटन क्लिक करूं तो जूम हो जाए हमारा स्क्रीन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आते हैं प्रिफरेंस में और यहाँ से कर देते हैं सिलेक्ट जूम, और यहाँ से हमें जितना परसेंट जूम करना है उतना सिलेक्ट कर देंगे। मसलन मैं चाहता हूँ 200% हो जाए, यहाँ से 200% कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। अब मैं देखिए यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करूंगा तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है, फिर राइट बटन, ये बिल्कुल फिट इन विंडो हो जाता है, फिर यहाँ पे राइट बटन 200% जूम है ना, यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे जूम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे देखिए, फिर यहीं पे कीजिए, यहाँ पे आपका कर देगा। अब किसी जैसे उठा उठा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह उठा उठा कर निजात दहिंदा से इल्तिजा करता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चाहता हूँ जूम कर लूँ, यहाँ पे कर दीजिए, ये देखिए आपका जूम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, हाथ उठा उठा कर निजात दहिंदा से इल्तिजा करता। तो यहाँ पर फिर आप वापस प्रेस करेंगे राइट बटन तो इस तरह हो जाएगा। तो ये बहुत आसान ही से आप इसको यूज कर सकते हैं, जूम वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे डबल, और यहाँ से मैं 200 के बजाय कितना कर देता हूँ, 150, ये ठीक है, यहाँ से ओके। अब देखिए ये इतना ही आपका जूम करेगा, यानी 150%, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन प्रीफरेंस के अंदर गाइड, गाइड्स कलर है ना, मतलब देखिए अभी यहाँ पे मार्जिन जो ये दिख रहा है साइड में वो हमारा ग्रे कलर का, हम चाहते हैं वो उसका रंग तब्दील हो जाए, तो यहाँ से आएंगे और यहाँ से रेड और यहाँ से ओके, या कोई भी कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ये देखिए हमारा मार्जिन क्या हो गया है, रेड हो गया है, नीचे भी हो गया होगा, नीचे आते हैं यहाँ से देखिए ये रेड हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ से मार्जिन का कलर आप तब्दील कर सकते हैं, मैं यहीं से खोलता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक, और यहाँ से वापस कर देता हूँ ग्रे। उसके बाद है यूजर, आप चाहते हैं गाइडलाइन का कलर तब्दील हो जाए, जैसे ये गाइडलाइन अभी हमारा किस कलर में है, देखिए यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ था तो एरो टूल पे जैसे मैंने क्लिक किया ये वापस हमारा आ चुका है, यहाँ पे अभी ब्लू कलर में, मैं चाहता हूँ ये हमारा रेड में हो जाए या दूसरे कलर में हो जाए, यूजर पे आइए और यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ, रेड इसलिए कर रहा हूँ ठीक, चूंकि ये जरा नुमाया है, नजर आता है, ये देखिए रेड हो चुका है हमारा, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इस तरह आप गाइडलाइन कलर तब्दील कर सकते हैं। पहले मैं इसे कर लेता हूँ ऊपर, चूंकि यहाँ पे तभी मैंने इसको किया था नीचे, कंट्रोल के साथ करूंगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मास्टर पेज से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद क्या है हमारा ऑप्शन, कॉलम, ठीक है, मैं एक नया सफा इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल एन से, है ना, कंट्रोल एन, और यहाँ पे देखिए मैं तीन कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम का कलर अभी क्या है, ब्लू, या आप में ग्रे हो सकता है, ठीक है, जो भी कलर हो अगर उसे आप तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे डबल क्लिक और यहाँ से आकर के, मसलन मैं वापस ग्रे कर देता हूँ, तो यहाँ से आकर के देखिए ग्रे कर दिया, ये ग्रे हो चुका है, रेड करना चाहते हैं रेड हो जाएगा, तो इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए इसे हम कर देते हैं खत्म। उसके बाद क्या है हमारा, ये लॉग फाइल, ये यूज वगैरह होता नहीं है इसलिए इसे रहने देते हैं। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, ये बहुत अहम चीज है, इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी चेक लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है, इसके जरिए से हम एक काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, हैंड टूल पे आइए, ठीक है, आपको अगर लगता है कि ये जो दो सबक आमोज वाकया थे ये यहाँ के बजाय यहाँ पे होना चाहिए, यूरोप के उजड़े वहशी से पहले होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह आप सेलेक्ट कर लीजिए और एरो टूल जब आ जाए तो यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से दबाए 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 उठा करके यहाँ रख दीजिए, देखिए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह आप चाहते हैं कि नहीं वापस वहीं पर आना चाहिए तो वहीं पर ले जा करके रख दीजिए, आप और नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे ले आइए, ठीक है। मसलन मैं चाहता हूँ कि कहीं पे आ जाए, जहाँ पे आ जाए यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है, फिर यहीं से पलट पकड़िए और यहाँ से वापस ले जाकर रख सकते हैं। जब वहां पे चेक लगा हुआ होगा तभी आप ये ऑप्शन यूज कर पाएंगे, और सिलेक्ट होना हमारा जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे,
और यहाँ से अनचेक आप कर दीजिए या रहने दीजिए, बहरिश की बात नहीं इसमें। उसके बाद है ऑटो सेव एवरी, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई किसी बड़े डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है या बड़ी किताब कोई कंपोज कर रहा है, यानी 100 सफ़ा 150 सफ़ा, और वो चाहता है कि हमें बार बार सेव ना करना पड़े, ठीक है, कंट्रोल एस से हम बार बार सेव करते हैं, वो चाहता है ये कि बार बार हमें कंट्रोल एस ना करना पड़े बल्कि खुद ब खुद ये सेव होता रहे, तो यहाँ से आप ऑटो सेव का ऑप्शन पे जो है चेक लगा दें, यानी क्लिक कर दें, और यहाँ से आप जितने मिनट्स पे चाहते हैं कि ऑटो सेव हो, यानी खुद ब खुद सेव होती जाए फाइल, है ना, तो यहाँ से आकर के हम लिख देंगे। वैसे हम चाहते हैं कि हर 5 मिनट में सेव होती रहे फाइल, यहाँ से 5 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, फाइल हर 5 मिनट पे ये सेव होती रहेगी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपने 5 मिनट में कुछ मजीद काम कर लिया और गलती से ये बटन प्रेस हो गया आपका, और वहां से ऑप्शन जो देता है सेव करने का, वहां से आपने नो कर दिया, तो हमारी यानी हमारा जो काम हमने किया 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो सेव नहीं होगा। तो इस वजह से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है जब आप बड़े डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। तो ये था हमारा आज का एप्लीकेशन प्रेफरेंस, मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसमें हमने तमाम ऑप्शंस को देख लिए, इन सब की कोई खास जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं इन सबको रहने देता हूँ, ठीक है। जो जो मतलब जिसकी जरूरत ना हो, जिसका करने से कोई फायदा ना हो, उसे हम उसी तरह छोड़ देते हैं सेव एज डिफॉल्ट, यानी इन पेज वाले ने जैसा हमें करके दिया है, ठीक है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इसे चलिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ से 5 के बजाय 10 ही रहने दीजिए, या 5 ही रहने दीजिए, जब यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, यहाँ से कर देते हैं ओके, ठीक है। तो हमारा हो चुका है ये आज अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन प्रेफरेंस मुकम्मल। चलिए इंशाल्लाह हम अगले सबक में देखेंगे और मजीद, ठीक है, यानी इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस होगा। तो एप्लीकेशन प्रेफरेंस खोलने का 3 तरीका है, एक तो यहाँ से आइए और यहाँ से खोल लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका Alt F11 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, यहाँ से खोल लीजिए, और तीसरा तरीका एक और है कि यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए, ये आपका एप्लीकेशन प्रेफरेंस खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।